साई अस्पताल में ब्रेन एन्यूरिज्म का उपचार संभव हुआ है। यहां एक मरीज की सफल सर्जरी करने के बाद उसे सही किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पहले इस रोग के उपचार के लिए दिल्ली और लखनऊ जैसे महानगरों की ओर जाना पड़ता था। अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजय बजाज ने बताया कि ब्रेन एन्यूरिज्म सर्जरी का उपयोग मस्तिष्क की उभरी हुई रक्तवाहिका के उपचार के लिए किया जाता है। यह रक्तवाहिका फट चुकी होती है या फिर फटने वाली होती है। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क धमनी विस्फार के टूटने से सबराचनोइड रक्तस्राव होता है, जिसका मतलब है कि मस्तिष्क और उसके आसपास के झिल्ली के बीच के क्षेत्र में रक्तस्राव होना, यह एक खतरनाक स्थिति है जो विकलांगता का कारण भी बन सकती है। डॉक्टर अजय बजाज ने कहा कि ब्रेन एन्यूरिज्म होने पर सिरदर्द के साथ ही जी मचलना, उल्टी रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, मिर्गी चढ़ना, गर्दन में अकड़न, मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर के हिस्से को चलाने में कठिनाई, आंखों में धुंधलापन, बोलने में परेशानी आदि संकेत दिखाई देते हैं। फिलहाल इस सफल ऑपरेशन से कुमाऊं वासियों में नई उम्मीद जगी है और अब उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने से भी निजात मिल पाएगी। ये जो केस है इसको एक प्रकार का ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जिसको सबअरकनाइट हेमरेज बोलते हैं। तो इस सबअरकनाइट हेमरेज में क्या होता है, जो हमारे दिमाग में खून ले जाने वाली नसें होती हैं उनके अंदर एक गुब्बारा बन जाता है नस कमजोर होने की वजह से, और वो नस फट जाती है जो कि किसी मरीज की जिंदगी को भी ले जाती है। तो इस सर्जरी में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि वो गुब्बारा दोबारा फट सकता है, जिसकी वजह से मरीज की जान जा सकती है। तो इस ऑपरेशन को माइक्रो सर्जिकल क्लिपिंग बोलते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप की मदद से उस स्कल के बेस तक जाना होता है और उस पर क्लिप लगा के आना होता है। तो इस केस में हमने उसमें क्लिपिंग करी और पेशेंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट देके हिस्सा लिया। इसमें हमारे को सब डॉक्टर की टीम, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हम सबको मिलके स्वास्थ्य सेवाओं में और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिससे कि हमारे कुमाऊं के मरीज जो बेचारे दूसरे प्रदेशों में जाके या दिल्ली में जाके अपना इलाज कराते हैं, जहाँ पे उनकी बातों को शायद ढंग से सुना भी नहीं जाता है, अगर यही सारी व्यवस्थाएं हमारे कुमाऊं रीजन में ही हो जाए तो उनको एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम कॉस्ट में यहीं पे मिलेंगी और वो बहुत खुश रहेंगे। तो इसमें हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा।